कंस को मगध नरेश, जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से भयभीत होकर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद गोपाल की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। ये देखकर कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो ये स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं की क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरण करने के लिए अवतार ले रहे थे। इसीलिए वह पलक पांवड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गईं। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। वह 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। उसके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में साक्षात श्रीहरि आए हैं, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर गया। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प कर डाला। श्री कृष्ण की अंग कांति से सूति का ग्रह जगमगाने लगा। वसुदेव ने श्रीहरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, प्रभो, पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए।